हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो एक नए लोकेशन के साथ, जिसका नाम है खंबोली डैम। हिंजेवाड़ी आई टी पार्क से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। आई होप आपको रिहे डैम पता होगा। अगर नहीं पता है तो हमने रिहे डैम के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इसके पहले ब्लॉग में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आई बटन में मैंने लिंक दिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल रहा हूँ, क्योंकि रिहे डैम से ना ये लोकेशन सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है। खंबोली डैम ज़्यादातर लोगों को पता है नहीं, तो थोड़ा सा लेस क्राउडेड एरिया है। आप नेचर लवर होंगे, फोटोग्राफी के शौकीन होंगे, या फिर कोई साइलेंट प्लेस की तलाश में होंगे, तो खंबोली डैम इज द बेस्ट लोकेशन फॉर यू। दोस्तों, इस लोकेशन के बारे में हमने वीडियो को आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। अगर चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी। हम अभी आप फेज 3 हिंजेवाड़ी आई टी पार्क का फेज 3 है। ये मेगापोलिस का सर्कल आप देख रहे हो, और मेरे दोस्त मेरे साथ, तो अनुराग को तो आप पहचानते ही हो, ये संदीप है। संदीप भी अपने पहले ब्लॉग में था, और ये मेरा दोस्त है मयूर। मयूर पहली बार आया अपने ब्लॉग में। हिंजेवाड़ी आई टी पार्क से बाहर निकलने वाला जो रोड है, वो रोड से हमें निकलना है और पिरंगुट रोड पकड़ना है। तो दोस्तों, हिंजेवाड़ी आई टी पार्क से अपन निकले थे तिरंगुट रोड पकड़ के, शेलकेवाड़ी चौक में आए। ये निशिगंधा लॉन्स आपको दिख रहा होगा पीछे, यहाँ से हमें राइट टर्न लेके आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकलना है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए खंबोली गांव, खंबोली विलेज। तो यहाँ से हम इस रास्ते से आगे जाएंगे डैम की तरफ। अगर आपको कुछ खाने की चीज़ें लेनी है ना, तो यही आसपास लेनी पड़ेगी आपको। यहाँ आजू बाजू में शॉप्स है, आगे जाके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पानी की बोतल्स और कुछ खाने के चिप्स वगैरह या फिर बिस्किट्स वगैरह, ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। प्रॉपर आपको खाना यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। ये है मेरे आजी का दुकान, आज प्रकाश भाव घेंगरे। इनसे मिल के बहुत खुशी हो रही है हमें। इकडन खंबोली डैम किती लांब आहे आपल्यावरती? पाण्याची बॉटल दे, हाँ साधी दोन पाण्याची बॉटल दे। पाणी की बॉटल और क्या लेना है? बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं ना, ओके। हाँ ठीक है, पानी ही काफी अपने पास, खाना तो है। हम लोग टिफिन लेके आए, यहाँ से पानी लिया है और हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से आगे। खंबोली बस स्टॉप से आएंगे तो आपको ये एक कमान दिखेगी। ये कमान से जो रोड जा रहा है ना, ये भी आपको डैम की तरफ लेके जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो, आपको डैम का जो वाटरफॉल है ना, वो दिख रहा होगा। ये देखो, ये जो वाटरफॉल आपको दिख रहा है ना सामने, यहाँ पे हमें जाना है। ये अपना डेस्टिनेशन है। अपन इस रोड से आगे जाके ऊपर से वहाँ से एक रोड है, उस तरफ से अपन जाएंगे। We are very close to the dam now. ये जो सामने दो कार देख रहे हो ना, यही रास्ता है डैम जाने के लिए। इट मीन्स हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। काफ़ी कीचड़ है यहाँ,
आप चाहे तो गाड़ी यही पार्क कर सकते हो। यहाँ से सिर्फ 2 मिनट चल के भी आप डैम पे जा सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए खंबोली डैम एंड वाटरफॉल, और ये देख रहे हो वाटरफॉल। वाओ, दिस डैम इज डैम कूल। संदीप और मयूर आने का नाम नहीं ले रहे, वो एक ही जगह पे फोटो शूट कर रहे हैं और हम बढ़ रहे आगे। दोस्तों ऐसे कंटेंट बनाने में सच में मेहनत लगती है, बट मैं और मेरी पूरी टीम ये मेहनत करेंगे और आपके लिए ऐसे ही हिडन प्लेसेस को एक्सप्लोर करते रहेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी करना। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।